ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। एरोली के नज़दीक एक लोकल ट्रेन करीब 20 मिनट रुकने की वजह से रेल यातायात 20 से 25 मिनट देरी से चली। तकनीकी खराबी की वजह से ये समस्या उठी। तीन ट्रेनें भी रद्द की गई, जिसकी वजह से ठाणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ हो गई। ऑफिस में जाते हैं, एक 20-25 मिनट पास आम्ही उभे आहे। कुठे अनाउन्समेंट पण नाही, काय नाही की गाडी येते किंवा नाही येते का, कधीपासून आम्ही उभे आहे। नाही नक्कीच आहे का? नक्की पण आता बघू शकता तुम्ही, माणसं बघा किती उभे आहे, कोणाकडे म्हणजे काय इन्फॉर्मेशन पण काय नाही की गाडी येते किंवा नाही येते। खूप म्हणजे खूप आहे। ठाणे के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर गुरुवार को अनियमितता बरतने वाले एक स्टॉल को बंद कर दिया गया है। सेंट्रल रेलवे के नियमों को ठेकेदार जब तक पूरा नहीं करता है तब तक ये स्टॉल बंद रहेगा। ठेकेदार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। अधिकारियों ने कई रेलवे स्टेशन पर स्टॉल की जाँच की और ठाणे के प्लेटफॉर्म नंबर 5 का ये स्टॉल में कई कमियाँ पाई गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगी। शुक्रवार को फर्नीचर मार्केट में ये आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर 17 गाड़ियां पहुंच गई हैं। आग की वजह से मेट्रो का संचालन भी रोकना पड़ा। घोड़बंदर स्थित मुल्लाबाग डिपो का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज रखने की मांग की जा रही है। महापौर मीनाक्षी शिंदे को मराठा क्रांति मोर्चा ने निवेदन भी दिया है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना अब भारी पड़ सकता है। बीएमसी ने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी है। महानगर पालिका ने 1,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लेने की बात कही है। ई चालान से भी जुर्माना वसूला जाएगा। 7 जुलाई से जुर्माना अब वसूलने की बात सामने आ रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।